दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ होती है लिंगों की पूजा। वहाँ की मान्यताएं ही ऐसी हैं कि जहाँ पे लिंगों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों लिंग की पूजा केवल भारत में ही नहीं होती बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ लिंग का पूजा का चलन है। कई प्राचीन सभ्यताओं में इस तरह की पूजा को प्रजनन क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। आज भी इस प्राचीन परंपरा का प्रचलन है। आज हम आपको दुनिया की ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इस तरह की पूजा से जुड़ा उत्सव मनाने का रिवाज है। कानामारा मत्सुरी, कावासाकी, जापान। दोस्तों अपने अनोखे रीति रिवाज के लिए विख्यात यह देश बाकी देशों की राह से हटकर चलता है। जापान में कानामारा मत्सुरी फेस्टिवल एक ऐसी ही चीज है जिसे स्टील के शीश का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। अप्रैल के पहले रविवार को मनाया जाने वाला यह त्यौहार प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। जापान के कपल्स इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। होनेन मत्सुरी कोमाकी, जापान। कानामारा मत्सुरी की तरह जापान के कोमाकी में भी हर साल 15 मार्च को प्रजनन क्षमता की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए लिंग की पूजा की जाती है। बोरानी फेस्टिवल। ग्रीस के टारियानवोस में हर साल बोरानी फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं और अश्लील गाने और लिंग प्रकृति के एक दूसरे को चढ़ाते हैं। द खारखोरिन रॉक। एडन जू मिनिस्ट्री, मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया में एक बहुत बड़े पत्थर का लिंग स्थापित किया गया है। यहाँ उसका उद्देश्य यह था कि बौद्ध भिक्षुओं को अपने ब्रह्मचार्य जीवन का स्मरण रहे। विडंबना यह है कि वह एक धार्मिक स्थल में तब्दील हो चुका है। लोग यहाँ यौन आजादी और प्रजनन क्षमता का जश्न मनाते हैं। दसन अब्बास जायंट डोरसेट। यहाँ प्रजनन क्षमता के प्रतीक के तौर पर चौक से एक नग्न पुरुष की आकृति रेखांकित है। ऐसी मान्यता है कि इस आकृति के ऊपर हिस्से पर सेक्स करने से इनफर्टिलिटी की समस्या का समाधान होता है। मारा कनोन फर्टिलिटी श्राइन। जापान का यहाँ एक ऐसा शासक के बेटे की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा को खुश करने के लिए 1551 में इस श्राइन को स्थापित किया गया था। माँ बाप बनने की इच्छा रखने वाले कपल्स के बीच इस श्राइन को काफी लोकप्रिय है। म्यूजियम ऑफ सेक्स। दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी यूएस से 2002 में खोला गया इस म्यूजियम में मानव की सेक्सुअलिटी के इतिहास, विकास और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ लगातार प्रदर्शन आयोजित की जाती है। दुनिया भर के जिज्ञासु पर्यटक यहाँ पे आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।